also need a video. Normally just talk about, this wish everybody happy Ganesh Chaturthi and just give them a guys can do it too. Haan. Theek hai? This is for what? We need to send it to channel. You want a message right now? Just 1 second. One. I'll just start with this. और जगार क्या हाल बस ठीक है सर ओके वन आई एम स्टार्टिंग ओके यप वन Hi guys, hello everybody, this is Ritvik here, Ritvik Tanjani. First and foremost, wishing everybody a very, very, very happy Ganesh Chaturthi. And this is my Ganesha, this is the Ganesha that I'm making for my own home. And all that I have to tell everybody is, go ahead and try this experience out, because believe me, it's going to change your life, it's going to change the way you celebrate Ganesh Chaturthi. And even if you cannot, which is okay, even if you cannot, thank you. करते करते कर लीजिए आप बाइट हाँ जब भी प्रिया जाए जब भी नॉट आई डोंट नो देखिए आज सेम टू कम एट थ्री व्हाट इस टाइम पे 3:18 विच इज वाइ टू चैनल द वाज नॉट कम एंड आई एम रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग देम स्टार्ट अच्छा तो थोड़ी 3:18 3:18 अच्छा ओके ओके आई थॉट इट्स ऑलरेडी 4:05 नो नो बहुत देर हुई है सबसे बेटर थोड़ी बिना नार क्या बात कर रही है या ये घंटे में बन गई इतनी या मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई अभी स्टार्ट ही कर लीजिए बड़ी मीठी है क्या कहना चाहूँगा आप देखना क्या चाहेंगे वो बताइए पहले बस वही है सबको यही कहना चाहूँगा कि ये फेस्टिवल का मतलब मूर्ति बनाने के बाद बहुत अलग हो जाता है और अगर आप लोगों में से आज तक कभी किसी ने कोशिश नहीं की कृपया करके डरे ना बहुत ही आसान चीज़ है और कोई आप क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं है कोई ऐसा नहीं कि आपको देख के लगे यार हमसे नहीं हो पाता और अगर नहीं भी हो पाता ना तो ये मैसेज सिर्फ आप लोगों के लिए इतना है कि यार कोशिश करके आप एक बार ट्राई तो करें यार मतलब ज़िंदगी में हर चीज़ एक बार कोशिश करके ट्राई करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा नहीं बनेंगे ना तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई डांट रहा है हमारा ना कुछ भी नहीं सो प्लीज़ गो अहेड कोशिश करें कि आपके आपके पप्पा जो हैं इस साल तो खैर अब तो खैर काफ़ी लेट हो चुका है बट अगले साल से कोशिश करें कि या तो आप खुद बनाएं अगर नहीं भी बना सकते तो इको फ्रेंडली गणेशा मिट्टी के बने हुए ले आए घर में उससे बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचती हैं और बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे देश को तो अगर कोशिश कर सके हमारी दुनिया को सो कोशिश करते हैं इस बार नहीं ये मेरा दूसरा साल है पिछले साल मैंने अपने दोस्त ये मैंने राकेश से सीखा है सच कहूँ तो राकेश मेरे गुरुजी हैं इस मामले में उन्होंने मुझे सिखाया है सब कुछ और पिछले साल उसने मुझे सिखाया था किस तरह से ये मूर्ति बनाई जाती है और इस साल मैंने मुहिम उठाई कि मैं पिछले साल तो मैं एक अकेला था इस साल कोशिश करके और दो दोस्तों को ले आया मैं तो तेजस्वी और वाही भी इस साल मेरे साथ बना रहे थे करण वाही और
बस कोशिश वही है कि जितने ज़्यादा लोग हो सके, जितने ज़्यादा लोगों को हम ये सिखा सकें, उतना हमारे लिए अच्छा। जी तो फिर और जो दूसरे जो है जो डिज़ाइन के पीछे बने रहते हैं, उनके लिए क्या कहना है? देखिए यार, अब मैं लोगों के लिए तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ अपने लिए कह सकता हूँ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं और क्यों नहीं समझते, ये तो मैं नहीं जानना चाहता, या मैं नहीं समझता कि क्यों नहीं लोग इस बात को समझते कि वो फ्रेंडली गणेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो डिज़ाइन वगैरह जो रहती है ना, आप, मैं कह रहा हूँ मिट्टी की मूर्ति में भी बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन मिलती है आप ढूंढने जाए तो हाँ। तो अब क्या रहता है ना कि कई लोगों का बिलीफ ही अलग होता है इस चीज़ को लेकर, और कई लोग बचपन से, जैसे मैंने भी कई सालों तक इको फ्रेंडली गणेशा, मुझे तो पता भी नहीं था पहले होते थे, जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ करना चाहिए। ये तो जब हमने सीखा है, जब हमें पता लगा है कि ऐसा होना चाहिए, तब से अब हमें लगने लगा है कि चलो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इस चीज़ को प्रीच कर रहे हैं। लेकिन और ये मुहिम जो है ये इसीलिए ताकि लोगों को एजुकेट कर सकें कि देखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम रिलीजन के मामले में जब आते हैं, फेस्टिवल जब आता तो हम पागल ज़रूर हो जाते, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं हम ध्यान में नहीं रखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू पे अटेंशन टू दैट। गणेश आ रहा है, नॉर्मली बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, कोई मेमोरी शेयर कर सकते हैं हमसे? चाइल्डहुड मेमोरी या मेरी हर मेमोरी गणेश को लेकर बहुत ही कमाल की रही है, वो भी इसीलिए क्योंकि छोटा था ना, तो मैं MP में गणेश चतुर्थी मनाया करता था। मध्य प्रदेश से हूँ मैं, वहाँ का हूँ, मंदसौर छोटा सा हमारा जो शहर है, वहाँ पर मैं गणेश चतुर्थी मनाया करता था। और दोस्तों के साथ मिलके झांकी बनाना, चंदा इकट्ठा करना, मूर्ति के लिए जगह जगह भटकना, वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे बचपन से मेरे साथ हैं और आई थिंक हमेशा रहेंगे यार। तो वो सारी मेमोरीज है मेरी। कोई एक स्पेशल मेमोरी फ्रेंड्स के साथ में जो होती है यार, हम गणपति पे क्या किया करते थे ना, गणपति पे लोगों को एंटरटेन करने के लिए हम कुछ भी बन जाया करते थे। तुम्हारे दोस्त लोग कभी कोई भालू बन गया, कभी कोई झांकी बन गया, कोई हनुमान जी बन गए। तो एक बार मैं बना था भालू एक विसर्जन के समय पे, और वो भालू बन के मैंने पूरा चेहरा कवर था मेरा भालू के कॉस्ट्यूम के साथ, बट पूरा प्रोसेशन जो है ना गणपति जी का जो विसर्जन हो, मैंने भालू बन के निकाला। सो वो मुझे याद है। हाँ जी, विल टॉक अबाउट दिस यार, वी विल ओनली टॉक अबाउट गणेशा के बारे में बात करते हैं, लेट्स नॉट गेट एनी वेयर एल्स, है ना। थैंक यू फैंस के लिए, सब के लिए जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि यार अपना लो यार, इको फ्रेंडली गणेशा कर लो। पूरी दुनिया चिल्ला के थक गए, हम सब सारी की सारी दुनिया समझा रहे हैं हम सब लोगों को कि यार आगे चल के ये और किसी के लिए नहीं, हमारे लिए तकलीफ है, तो क्यों देना यार तकलीफ। आप ऐसे भी गणेश चतुर्थी मना सकते हैं, और कृपया करके मैं तो कहूँगा मनाएं, ऐसे मज़ा ज़्यादा आएगा। हैप्पी गणेश चतुर्थी अभी। थैंक यू। सही जा रहा है? हाँ, इसे मुझे टेढ़ा लग रहा है।